एप्लीकेशन, उसमें श्री भोला राम जी हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, श्री रमन भल्ला जी फॉरेन मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठाकुर बलबीर सिंह जी सबका लेजिस्लेटर हैं, सरदार अरविंदर सिंह मिक्की हमारे एक्टिंग चेयरमैन रहे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के, और एक दो मेंबर्स भी पहुंचे। हमने ब्रॉडर व्यू पॉइंट जो है वो कमीशन को दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की रेस्टोरेशन की बात कही गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही, जो एश्योरेंस दिया है उसको फुलफिल किए बगैर ये एक्सरसाइज जो है ये मीनिंगफुल नहीं होगी, क्योंकि एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन जो यूटी असेंबली है उसके लिए लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इनका पर्पज़ होगा, और डिलिमिटेशन या इलेक्शन प्रोसेस तो बात हमने वो दोहराई, और उसके साथ दूसरी बात हमने ये कही कि यहाँ लोगों को बड़ी एप्रीहेंशंस हैं कई किस्म की, कि ये एरिया वहाँ लग रहा है फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी डी रिजर्व हो गई है, ये इस तरह की बातें जो है हर रोज़ खास करके जम्मू सूबे में हम सुनते हैं, और हमने कहा कि आपका काम मुश्किल है, जम्मू सूबे में डाइवर्सिटी है, यहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, यहाँ ज़्यादा प्लूरिस्टिक करेक्टर है, हेट्रोजिनिटी है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और चाहे वो एससीज़ हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, ओबीसीज़ हों, या सिख माइनॉरिटी हो, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हो, पीओजे के रिफ्यूजीज़ हो, कई कई तरह के वादे उनको किए गए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अर्जीज और एस्पिरेशंस हैं, इसलिए हमने कहा कि इन तमाम तबका जात की जो है वो जब आप डिलिमिटेशन करें उनकी डिमांड्स को कंसीडर करते हुए आप अपनी रिपोर्ट पेश करें, और चूंकि आपको जो मैंडेट दिया गया है, उन्होंने कहा कि 2011 का सेंसस का मैंडेट हमारे पास है, उसकी जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उनको ध्यान में रख के किया जाएगा, तो हमने कहा कि जम्मू की असेंबली और पार्लियामेंट की सीट्स का जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारा हक बनता है, वो इंसाफ जो है जम्मू सूबे के साथ होना चाहिए, हर खित्ते के साथ होना चाहिए, हर रीजन सब रीजन और डिस्ट्रिक्ट के साथ होना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेशन भी मिलेंगे, और हमने उनको कहा कि जब तक आपका ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता तब तक कोई कंक्रीट सुझाव देना उस पर वो नामुमकिन है। हमने उनको ये भी कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक जाएं, और आप पहले आए हमें सुना और लोगों को सुन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल हमारे साथ और पब्लिक डोमेन में पब्लिक के साथ शेयर करें, उस ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद आप लोगों के ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन जो होंगी और हमारी पोलिटिकल पार्टी के जो इनपुट्स होंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की बुनियाद पर जो पैरामीटर्स कानून के हैं, जो डिलिमिटेशन के कानून हैं, वो नाम्स हैं, उनको फॉलो करते हुए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।